नमस्कार किशन भाइयों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल खेती जानकारी में। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं धान की नर्सरी के पीलेपन और ग्रोथ ना होने के कारणों पर। ये लक्षण किस वजह से दिखाई देते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अक्सर हमने देखा है जब किसान भाइयों की पर धान की नर्सरी पीली पड़ जाती है तो किसान भाई जिंक का प्रयोग करते हैं, जबकि इस कंडीशन में जिंक केवल 50% ही कार्य करती है। तो बाकी 50% का रिजल्ट हमें कैसे लेना है, तो इसके लिए हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। अगर किसान भाइयों आपके खेत में ज़्यादा पीलापन है या फिर अन्य कंडीशन हो, आपको क्या देना है, आइए हम बात कर लेते हैं इस बारे में। किसान भाइयों, अक्सर हमने देखा है कि नर्सरी जब किसान भाइयों की पीली पड़ जाती है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये नर्सरी के पीलेपन का कारण क्या है, वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ जांचे वो जिंक का प्रयोग कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं जिंक की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। जब जिंक की कमी के लक्षण होंगे तो हमारा पौधे के साइड की किनारियां जो होती हैं ना, वो मिट्टी के कलर की हो जाती हैं, या फिर जैसे बोलते हैं तांबे के कलर का हो जाती हैं। तो केवल इसी कंडीशन में जिंक का प्रयोग करना है, बाकी अन्य कारणों से भी पौध में पीलापन आ जाता है। अब वो कारण क्या है, जैसे पानी का ठहराव है या फिर फंगस वगैरह, इन निम्न कारणों से भी पीलापन आ जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे सबसे आधुनिक दवाई के बारे में। जिंक तो काफ़ी पुराना हो गया और लोग यूज कर रहे हैं, सबको पता है कि जिंक ही दे दो, लेकिन जिंक का इसमें केवल 50% ही रोल होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं दो दवाइयों की। पहली दवाई को आप टंकी में स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपके पास टंकी नहीं है या फिर आप टंकी से स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मिट्टी या फिर यूरिया में मिलाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। अब स्प्रे के लिए आपको 5 दवाइयाँ एक साथ मिलाकर छिड़काव कर देनी है। पहली दवाई है हमारी कार्बंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP। ये दवाई आपको 100 ग्राम लेनी है, कोई बढ़िया कंपनी की देख लें, ज़्यादा अच्छी रहेगा। दूसरी दवाई है हमारी एसीटा मीप्रिड 20% SP, इससे आपको 20 ग्राम लेनी है। अच्छा, तीसरी दवाई है हमारी नैनो जिंक, जो फॉयलर वाली आती है, परण स्पर्शी बोलते हैं इसे, पत्ते के लिए आती है जो, उसे आपको 200 ग्राम लेनी है। तीसरी दवाई होगी मेरी टैगमाइसिन, जो ट्रॉपिकल एग्रोस इंडिया बनाती है, यह 6 ग्राम का पाउच आता है, इसे आपको 12 ग्राम लेनी है, यानी 2 पाउच। और यह हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है। अच्छा, ग्रोथिंग के लिए हम बात कर लें, ग्रोथिंग के लिए है पोटेशियम ह्यूमेट 63% आती है, ग्रोथिंग के लिए यह सबसे अच्छी दवाई है। इस 5 दवाइयों को मिलाकर हमें 2 टंकियों में स्प्रे कर देना है। मैं दवाई बता रहा हूँ आपको 1 बीघे के लिए, 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि है हमारी मिट्टी या यूरिया में मिलाकर बिखेरने की। तो दूसरी दवाई है हमारी फिप्रोनल 0.5% GR, इसे हमें 1/2 किलो लेना है। दूसरी दवाई है हमारी नैनो जिंक, इसे 300 ग्राम का पाउच आता है, नैनो जिंक भी बोलते हैं इसे, और दयाल की ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी दवाई है हमारी कार्बंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP, 100 ग्राम दवाई लेनी है और आपको यूरिया या फिर मिट्टी में मिलाकर बिखेर देनी है ये दवाई। अच्छा, आपकी पौध में अगर नमी है तो 2-3 दिन बाद पानी लगा दें, अगर नमी नहीं है तो आप तुरंत भी पानी लगा सकते हैं या 5-6 घंटे बाद लगा सकते हैं। यह दवाई 21वीं सदी की सबसे अच्छी दवाई है और आप जो हैं ये दवाई लगाने के बाद पानी अवश्य भर दें, अगर नमी नहीं है तो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।